हेलो दोस्तों, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम घूमेंगे सुंदरनगर। बोनजूर आ तूस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रन फी ब्लॉग। तो आज हम घूमने वाले हैं सुंदरनगर और मैं अवेलेबल हूँ, ब्लॉग मैं ही बनाऊंगी, ये सिर्फ मेरी दो बहनें हैं यहाँ पे। तो आज मैं इन दोनों के साथ घूमने वाली हूँ सुंदरनगर, तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग आए हैं सुंदरनगर लेक, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट सड़क क्रॉस करते ही है। ये झील वैसे बनी कब थी, मतलब स्टोरी क्या है यहाँ की? यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी पहले, फिर मैन मेड है, मतलब जैसे इंजीनियर्स वगैरह ने बनाई है ये। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, बोलते हैं कंट्रोल गेट, चार पांच गेट है। ये क्या है? ये कंट्रोल गेट सामने दिख रहा है आपको, जैसे अगर पानी ज्यादा हो जाए नहर में तो इनको ओपन कर देता ताकि झील में पानी आ जाए। और यहाँ से बहुत सारी जगहों पर पानी सप्लाई किया जाता है, जैसे शायद शीतला टेम्पल पड़ता है। ये मंदिर का थोड़ा सा वो दिख रहा है, ये टैंक दिख रहा है पानी का, ये हाँ, इसके साथ में थोड़ा दिख रहा है, ये माता का मंदिर का छत होता ऊपर वाला ना, वही है ये, वो सामने दिख रहा टावर के पास आपको। अच्छा, ये मैन मेड है फिर। हाँ, और ये जो बीच में है ये पांच पांडवों के नाम पे लिखाए गए, जैसे मतलब अर्जुन हो गया, भीम हो गया, सहदेव, नकुल, ये पांच बनाए हैं उन्होंने, जो साफ करते हैं, टर्न होती है हर एक की, मतलब ये जो पाइप्स दिखी है बाहर को, आपको यहाँ से गंदा पानी या गंद बाहर को निकाला जाता है, पीछे नाला है। पर ये इसको बनाने की जरूरत पड़ी क्यों, मतलब मैन मेड है? हाँ, पानी की जैसे यहाँ नहर भी है ना, वो आपको बाद में दिखाएंगे, बग्गी साइड से पानी आता है, हर जगह का कलेक्ट किया जाता है, फिर यहाँ पे काफी यूज होता है उस पानी का, बट ये सिर्फ यहीं तक है, इसका पानी आगे नहीं जाता, सिर्फ यहीं तक, मतलब इतना सही है। हाँ, आगे जाके स्टैंड पॉइंट है जिसको शीश मल करते हैं। तो ये पानी लाया कहाँ से गया है? बग्गी नहर साइड से, उस साइड से। बग्गी जगह का नाम है? हाँ, के नहर का नाम है, बग्गी जगह का नाम भी है और नहर को भी बग्गी बोला जाता है। आगे जैसे धनोटू स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे एक पुल आता है धनोटू पुल करके, वहाँ से राइट को मुड़ जाओ, वहाँ आगे नहर ही नहर है, मतलब। ये लेक के साथ साथ जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये जाती है रिवालसर को, बाया लेदा और कलखर होके। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम सिटी की तरफ जाएंगे अंदर को, तो चलते चलते अभी क्रॉस करेंगे इस सड़क को और फिर आगे पहुँचेंगे। अब हम पहुंच गए मेन सिटी में, मेन रोड के पास। अब कुछ खाने जाएंगे क्योंकि भूख लगे, भूखे पेट ही हम यहाँ पे आए थे। तो दिस इज़ हंगरी पॉइंट, जो बहुत फेमस है यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए। लेट्स ट्राई, मैं तो पहली बार आ रही हूँ वैसे। आप लोग कौन है? भूखे लोग, एक्सट्रीमली भूखे लोग। जैसी हालत इनकी है, बिना कुछ खाए, मेरी भी सेम है, पहले ऑर्डर करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? प्लीज।
थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद सड़क क्रॉस करते ही यहाँ पे थी एक चाइना मार्केट। हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ हमें खरीदना कुछ नहीं है, बस फिर भी जा रहे हैं। दादू तू गलत टाइम पे ना गलत जगह ले जाती है। हमने पक्का कुछ नहीं लेना ना, हम सिर्फ देखने आए ना, पक्का हम देखने आए ना। आवाज लगाओ, चूड़ी लल चूड़ी लल चूड़ी लल, क्रीम 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 क्रीम, बिंदी का पत्ता। मैडम जी क्या हो गया, मैडम जी क्या हो गया, एक बार बस 10 रुपए थोड़ा सा ज्यादा लीजिए। अरे भाई दो लिए हैं, 20 रुपए हैं, 20 रुपए भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, जो हम कमा रहा हूँ। मैडम जी बिंदी ले ले, बिंदी 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 बिंदी, मेरी शादी नहीं हुई। मैडम जी चूड़ियाँ ले लो, जोड़ी 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 जोड़ी, हमारे साइज की नहीं है, किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। मैडम कंगी 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 कंगी, कंगी इट्स कंघा, जो ऐसे बालों के लिए बना होता है। कौन से बालों के लिए? ऐसे बालों के लिए। एंगेजमेंट रिंग, और वे बहुत यहीं से ले लेते हैं। घूम के हम लोग आ गए वापस, लिया हमने कुछ नहीं है, बस ऐसे मस्ती करके आ गए। अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में, मुझे थोड़ा सा चेकअप करवाना है और कोविड का दूसरा डोज लगवाना है। ये है मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है, ये वैसे नेरचौक में काफ़ी बड़ा है ये, और यहाँ पे आसपास मंडी ज़िले में फ़ायदा हो गया इस हॉस्पिटल के बनने से। तो अभी पहले हम टेस्ट वगैरह करवा लें, अपने टीका लगवा लें, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। हॉस्पिटल स्लिप बनवाने के बाद यहाँ पे मैं अपना ब्लड सैंपल देने आई हूँ, क्योंकि मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट के बाद मैं जाऊँगी लेने अपने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज। अब मैं आ गई हूँ अपना दूसरा डोज लेने वैक्सीनेशन का, और कैमरा पकड़ा है मेरी बहन ने और पूरा हाथ है कैमरे के आगे। वाह बहन, दूसरा डोज वैक्सीनेशन का दूसरा डोज। आप साथ साथ में ये भी सोच रहे होंगे कि इनके कपड़े बदल कैसे गए और एकदम से ये सुंदरनगर से नेरचौक हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गए। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। देखा वे जादू, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। बस हमने भी वही किया। ठीक है मुझे पता है बहुत बकवास जोक है। एक्चुअली में ये ब्लॉग हमने 2 दिन शूट किया है। हॉस्पिटल से टेस्ट और वैक्सीनेशन करवा के हम हो गए हैं फ्री, और अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे सुंदरनगर फिर से घूमने। हमने ली थी बस नेरचौक से सुंदरनगर के लिए, और उतरे हैं सुंदरनगर में चित्रौकड़ी चौक पर। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं महामाया टेम्पल। त्रोकड़ी चौक से हमने पैदल चलना शुरू किया। अलग अलग गलियों से होते हुए हम चले, थोड़ा और चले, फिर चढ़ाई भी थोड़ी सी चढ़े,
फिर और ज्यादा चले। बस चलते जा रहे थे पर हम पहुंच नहीं रहे थे। मुझे देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना दूर नहीं है मंदिर, पास में है मंदिर, बस थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है और कुछ नहीं है, बस अब थोड़ी सी सीढ़ियां हैं, अब मैं पीछे देख रहा हूँ, ऊपर 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 जाना है हमें, तो मेरी हालत देख के डरना नहीं है। हम मंदिर पहुंच चुके हैं पर शायद हमारी किस्मत इतनी ख़राब है क्योंकि मंदिर बंद है और हम पहुंचे हैं 1 बजे के बाद, 1:30 हो रहे हैं क्योंकि 1 बजे से लेके 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तो अभी हम परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर की। इस मंदिर से आपको जो व्यू दिख रहा है ये पूरा का पूरा सुंदरनगर है, तो पूरा सुंदरनगर यहाँ से दिखाई देता है। जो भी यहाँ पे कॉलेज है, राजा का महल है, पूरी मार्केट है, सारा के सारे यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है। अब बारी है मैंडेटरी फोटोशूट की। मंदिर से वापस हम आ रहे हैं दूसरे रास्ते से जो कि है सुंदरनगर के डिग्री कॉलेज में से होके जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वहाँ के लक्ष्मण सेन जो सुंदरनगर के राजा थे उनका घर है ये। घर के अलावा जो बाकी बिल्डिंग थी, जितना भी एरिया था राजा ने, वो सारा गवर्नमेंट को दे दिया है जिसको अब कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये था बॉयज़ हॉस्टल जो भी बंद है। ये ना नीचे म्यूजिकल डिपार्टमेंट का वो ना ऑफिस वगैरह, और यहाँ पे एनसीसी वाला का ऑफिस है, यहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह हॉल है हमारा, कोई फंक्शन तो यहाँ ऑडिशन वगैरह वो यहीं होती है। तो ये सारी राजा का ही है, ये पूरा दान की है, चौक तक उसने सारी जमीन अपनी गवर्नमेंट को। ये पूरा हमारा हॉल है, ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ अभी लगाई इसको पहले अंदर से भी, अब यहाँ से सुंदरनगर का डिग्री कॉलेज। ये ना प्रिंसिपल का ऑफिस है, जैसे क्लर्क वगैरह, यहाँ क्लर्क वगैरह नीचे हो गए, प्रिंसिपल का ऑफिस ये है। और ये तोड़ दिया इन्होंने, यहाँ पुरानी बिल्डिंग थी जो गार्डन जैसा बनाया था ना, वो तोड़ दी, ये पीछे नई वाली बिल्डिंग बनी है, ये वाली ब्लू वाली, बी एड वाले आते हैं इधर, और जैसे BCA वगैरह करते हैं उनकी बिल्डिंग है। कॉलेज में से होके हम यहीं से अब सीधा जाएंगे सूर्य मंदिर जो कि पूरे इंडिया में बहुत ही कम है, एक यहाँ सुंदरनगर में भी है। यहाँ से सीधा लेफ्ट साइड पे आप टर्न करेंगे तो ये है सूर्य मंदिर जो बहुत ही पुराना है और ये भी राजा की ही प्रॉपर्टी थी, पर वही फिर से हमारी किस्मत ख़राब निकली और ये मंदिर था बंद तो हम अंदर से देख नहीं पाए। अभी बंद क्योंकि बिल्डिंग खतरे में है।
वहाँ से निकलने के बाद अब थोड़ा आगे आने के बाद हमें लगी है भूख, तो हम यहाँ पे एक अंकल आंटी हैं जिनकी चाट की और गोलगप्पे की रेहड़ी है। हस्बैंड वाइफ दोनों इसी रेहड़ी पे काम करते हैं और इसी खर्चे से अपना घर भी चला रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल लोग छोटी छोटी कटोरियों में पानी पीते हुए, और अल्ट्रा लेजेंड लोग बड़ी सी प्लेट में, इनके लिए परात भी छोटी है। अब बारी है घर जाने की, हम जा रहे हैं बस स्टैंड, हमें फिर से बहुत चलना पड़ेगा, तो भी बस स्टैंड पे मिलते हैं। इतना चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं सुंदरनगर बस स्टैंड, और हम वेट कर रहे हैं अपने लिए नेरचौक की बस पकड़ें, क्योंकि इतना चले तो अब खड़े होकर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, तो वेट कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बस मिले जो खाली हो, जिसमें हम बैठ के जा सकें। मैं ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पर एंड, तो पूरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इंडियन जनफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अब बाय बाय, टेक केयर।